हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स फनवर टीचिंग। आज की वीडियो में आप देखेंगे एलकेजी मैथ्स वर्कशीट। अगर आपके बच्चे एलकेजी क्लास में पढ़ रहे हैं या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे एलकेजी क्लास में पढ़ रहे हो, वो किस तरीके से आप प्रैक्टिस कराएंगे मैथ्स के जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, यानी जो भी टॉपिक्स एलकेजी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे रिलेटेड मैंने वर्कशीट तैयार की है। इस वर्कशीट की हेल्प से आप अपने बच्चों की डेली प्रैक्टिस वर्कशीट करा सकते हैं, एग्जाम टाइम रिविजन करा सकते हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी, थोड़ी भी यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द नंबर इन द बॉक्स 1 to 20। 1 to 20 तक के नंबर्स लिखने हैं इन बॉक्सेस में। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 to 20 तक के नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है, राइट द बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। 10 से बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, ड्रॉ द स्माइली अकॉर्डिंग टू द गिवेन नंबर। यहाँ पे स्माइली ड्रॉ करनी है, 5 है, 5 स्माइली ड्रॉ होगी, 3, 4, 5, 4 है तो यहाँ पे 4 नंबर्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से ड्रॉ करनी है। सॉरी, यहाँ पे 5 कर दिया, 4 ही ड्रॉ करनी है। 2 है, 2 ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से यहाँ 3 है तो 3, 1 है तो 1, 6 है तो 6 ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। यहाँ पे आफ्टर नंबर्स इसमें लिखने हैं, इसमें बिफोर नंबर लिखने हैं और इसमें बिटवीन नंबर्स लिखने हैं। जैसे 12 के आफ्टर 13 आएगा, 16 के आफ्टर 17, 24 के आफ्टर 25, 25 के आफ्टर 26। यहाँ 36 के बिफोर 35, 42 के बिफोर 41, 30 के बिफोर 29, 24 के बिफोर 23। यहाँ बिटवीन नंबर 23, 24, 25, 29, 30, 31, 19, 20, 21, 36, 37 एंड देन 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम ऑफ गिवेन नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके नंबर नेम लिखने हैं। जैसे 4, 6, 5, 9, 2, 7, 8, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ईच शेप टू द करेक्ट ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए गए हैं और इस साइड शेप्स ड्रॉ किए गए हैं। जो ऑब्जेक्ट या जो शेप जिस ऑब्जेक्ट से मैच करता है, उससे मैच करने के लिए करना है। ये शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड इसको करना है। सर्कल, बॉल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल, इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है, काउंट एंड ऐड। यहाँ पे काउंट करना है और फिर ऐड करना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। स्टार्टिंग बच्चों को पिक्चर के थ्रू एडिशन सिखाया जाता है, फिर पिक्चर्स के साथ नंबर्स रहते हैं, फिर ओनली नंबर्स के साथ सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है स्माइली, 2, यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे। टोटल काउंट करना है, 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यानी 2 + 2 = 4। इसी तरीके से यहाँ पे 3 balls, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 balls। यहाँ पे इसको टोटल काउंट करें, एडिशन का प्लस का साइन, मतलब एडिशन करना, एडिशन का मतलब टोटल मिला करके ऑब्जेक्ट कितने हुए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 8 लिखना है। फिर रीड करने के लिए बच्चे को बोलना है 3 + 5 = 8। पुट द करेक्ट साइन लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे 26 एंड 39 में जो साइन आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। 20 साइन इज लेस देन 39, 19 ग्रेटर देन 13, 20 ग्रेटर देन 16,
9 ग्रेटर देन 6, 7 लेस देन 18, 23 ग्रेटर देन 18। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे टू टू नंबर्स दिए हैं, जो स्मॉलर नंबर है उसको सर्कल करना है। तो 26 है 19 में 19 स्मॉलर है, 23 90 में 23 स्मॉलर नंबर है, 54 एंड 20 में 20 है। इसी तरीके से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, पिक्चर में नंबर्स दिए हुए हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना होगा 2, यहाँ पे 2 लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 5, 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पे 13 लिखा है तो यहाँ पे नंबर्स जो लिखे इसमें देखना है 13 कौन सा है, तो उसको सर्कल कर देना है। 26, दिस इज 26। 17, यह है 17। 18, 18 है। 24, दिस इज 24। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए कलरफुल वर्कशीट बना सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई, अट्रैक्टिव लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।